करके गीत थर्ड मैन एरिया में चली गई थी, उसके नीचे खिलाड़ी है, जब तक गीत को गीत करके दो ही बल्लेबाजों ने छोड़ बदला। तो अब यहाँ दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, शायद जफर शायद जो लाइन दिखा रहे उनसे गेंद अली जी पहले ही बता दिया गया था कि अगर उसे गेंद का छोटी है तो डेट बॉल करार की जाए। तो पहला ओवर इस समय पाका बलिया की तरफ से चल रहा है, राजीव इलेवन वर्सेज पाका बलिया के बीच मैच खेला जा रहा है। तो हमारे बीच में माननीय डॉक्टर जयप्रकाश साहनी ब्लॉक प्रमुख गोपागंज मऊ, आपका आगमन हो गया है, आप आए, पवन गीत गाने लगा, आप भीती धरा को सुनाने लगा, पवन ऐसी कहानी पवन कर गया, हम सभी का दिल गुनगुनाने लगा। तो इसी बीच हवा भरी समय प्रगति है, लेंथ अपनी गेंदबाज अनूप को बार बार समझा रहे हैं कि आप अच्छे लेंथ के गेंदबाजी करते रहे और इस समय अच्छी जगह भरती हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। आप कभी अच्छी तरह से बल्ले पर नहीं आई, गेंद को घेरना चाहते थे कहीं और, लेकिन श्याम का जबरदस्त एफर्ट यहाँ पर जबरदस्त गेंद को कलेक्ट किया है, लेकिन गांगुली वहां पे पूरा 100% अपना दे रहे हैं अभी गेंद के पीछे, काफी अच्छी संतुलित टीम इसी भी दे रहे हैं। तो समझाने के लिए प्रदीप को आए हैं कि आप इस तरह नहीं सहेंगे, बिल्कुल समझदारी के साथ। और ये सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला दो बड़ी टीमों के दरमियान देखा जा रहा है और इस समय संजीव सिंह ने अंपायर की भूमिका अदा कर रहे हैं, दोनों हाँ इस समय लेग अंपायर की भूमिका अदा कर रहे हैं। स्ट्राइक पर इस समय कौन सा बल्लेबाज है, रंजीत मऊ का बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी इस समय अनुरूप है उनके सामने, लंबा रनता और चले हैं और वो घूम कर खेलना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर गांगुली खींच चुके और गेंद सर पर बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। जब तक गेंद को गेंद किया जाता तो वही बल्लेबाजों ने एक रन चुराया, तो बढ़ता हुआ स्कोर इस समय दो रन। इस समय राजेश इलेवन का बढ़ता हुआ स्कोर दो रन, संभवतः ये शॉर्ट रन कर दिया गया है, सॉरी एक ही रन लिया गया है। तो इस समय अनूप अच्छी गेंदबाजी काफी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, इस समय काका भलिया की तरफ से अंपायर को ग्रास किया उनके सामने और यहाँ पर एक जबरदस्त कैच यहाँ पर होना चाहिए था, कैच छूटा और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई, अंपायर का इशारा दोनों तरफ से इस समय देखे तो जो थर्ड सीरीज के इस समय मोनू सिंह है बहुत ही बढ़िया लय में दिखाई दे रहे हैं, रंजीत भी एक रंजीत इस टीम के हिस्सा है और यहाँ पर घूम कर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद में बहुत ज्यादा तेजी थी जिस वजह से किसी तरीके से श्याम के हाथों में गिर गई और इस समय पहला ओवर संभवतः चल रहा है और संभवतः पहले ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर इस समय राजेश इलेवन का 9 रन। हालांकि कोई सफलता हाथ नहीं लगी है रंजीत और प्रदीप पर शुरुआती ओपनिंग जोड़ी के रूप में आए हैं, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी तो नहीं देखने को मिले पहले ओवर में, लेकिन अब जो कल्पना साहनी की तरफ से हर एक छक्के पर 100 रुपए, प्रवीण गेल का जो बीके का बल्ला है जो भी पाया हो उनका बल्ला हो गया है देने भाई, ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन होगा क्योंकि इतनी बड़ी टूर्नामेंट की ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, अगर आप कोई भी महान भाव अगर पाते हैं तो बल्ला दे दें। और एक ऐसे खिलाड़ी का जो बहुत ही अच्छे इंसान भी है खिलाड़ी के साथ साथ, इस समय गेंदबाजी करेंगे विशाल गेंदबाजी करेंगे उनके सामने है प्रदीप, बढ़िया गेंदबाजी आप स्टंप के बाहर गेंद को बिल्कुल खींच
और आपसे भूल चाहते हुए अंपायर को क्रॉस किया है प्रदीप है सामने और बिल्कुल जर में डाला था उसके नीचे खिलाड़ी अखिलेश जब तक गेंद को पकड़ते एक रन चुराया बढ़ता हुआ स्कोर इस समय राजेश इलेवन का 10 रन हालांकि कोई सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है काका बलिया को तराश रहे हैं और रंजीत अब सामना करेंगे काफी लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं ये भी खिलाड़ी बहुत ही होनहार खिलाड़ी है दोनों ही टीमें रिंग इस तरह प्रदीप एंड कंपनी बल्लेबाजी कर रही है टॉस हार कर और गेंदबाजी इस तरह कर रही है नंदी एंड कंपनी प्रवीण का बल्ला उनकी गाड़ी में है जाकर देख लें और इस समय विशाल गेंदबाजी कर रहे हैं लंबे लंबे ढक भरते हुए अंपायर को ग्रास किया है और ये देखिए लौट गया अंपायर फाइनल एरिया में गेंद को भेजा है हवाई यात्री पर और गेंद को जो वॉलंटियर से दे दें दूसरा ओवर इस समय प्रगति है और राजेश इलेवन का करता हुआ स्कोर इस समय 16 रन हालांकि कोई सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी भाई, कर रही है कि फाइनल में पहुंच गए अच्छी गेंदबाजी करते हैं विशाल गति के स्पीड के सौदागर कहे जाते हैं लेकिन जो लेग पाना जाते हैं वो बरकरार नहीं कर पा रहे अच्छी गेंदबाजी कम माल की गेंदबाजी लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल तो संजीव सिंह की जो पहली निगाहें हैं उससे आप वंचित नहीं हो सकते हैं कम माल का ये रेफरी जितनी भी तारीफ करे कम होगी चाहे वो कबड्डी हो चाहे वो क्रिकेट हो किसी भी चीज में आप इनको आजमाइश कर सकते हैं और ये पर्सनालिटी कमाल की पर्सनालिटी हमें फक्र होता है इनके ऊपर जबरदस्त निर्णय की अभी तक तो इनके द्वारा देखने को मिली है और शादी मोनो खान भी इस समय तक भरते हुए विशाल अच्छी के बारी फूल का सफाई पर लेकर भेजा इस बार ऑफलाइन के बाहर शहरों के लिए और इस बढ़िया शॉट नोबाल एक बार फिर से और ये देखिए सुमित सुहागा अंपायर का इशारा नोबाल शायद हाइट पे गेंद थी कमर के ऊपर अगर गेंद रही है इस वजह से एक नोबाल करार दी गई तो फ्री हिट तो संभवतः और इस फ्री हिट का सामना कैसे करते हैं बढ़िया गेंद इस बार गेंद लेने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली लेकिन अंपायर का इशारा वाइट सोचा संध्या पर रखा और हाथ को फैलाया ये है विशेषता संजीव सिंह की कमाल की अंपायरिंग और जो लाइन पाना चाहते हैं यहाँ पे विशाल वो चीज नजर नहीं आ रही है बलिया का बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज आज जो लाइन लेंथ बरकरार करना चाहते हैं वो चीज नजर नहीं आ रही है हालांकि थोड़ी सी यहाँ पे अंपायर से बातचीत हो रही है अभी भी दूसरा ओवर करते हैं ताका बलिया इस तरह गेंदबाजी कर रहे हैं टॉस जीत कर ये दूसरे सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है विजय साहनी का जो सपना था वो बिल्कुल साकार होता हुआ नजर आ रहा है एकलव्य सेवा मंडल सूरत गुजरात हिंदू मुस्लिम सद्भावना कप कमाल का ये नाम दिया गया है इस टूर्नामेंट को जितनी भी तारीफ करें हिंदू मुस्लिम एकता कप जो ये विजय साहनी कभी करवाते इस मैच को हर साल कुछ ना कुछ अलग करते हैं और विजय साहनी को कौन नहीं जानता पूर्वांचल का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर अगर कहा जाए तो उनमें से एक माने जाते हैं इसी बीच विशाल हमसे दूर जाते हुए और इस बार लौट गया है और अपनी ही जाल में भूल लिया उसके नीचे खिलाड़ी है मोनू सिंह और कमाल कैच लगा तो संभवतः हताश निराश होना पड़ेगा अरे दर्शक सोच रहे थे कि विकेट मिल गया लेकिन ये फ्री हिट का चांस था इस पे आप रन आउट कर सकते हैं दूसरा ओवर इस समय चल रहा है आका बलिया की तरफ से गेंदबाजी जो होनी चाहिए वो चीज नजर नहीं आ रही है प्रदीप बार बार खींच कर खेलना चाहते हैं लॉट करना चाहते हैं हालांकि इनका इस तरह से देखा जाए तो होम ग्राउंड माना जाता है इनके क्षेत्र का एक टूर्नामेंट है
और ये खिलाड़ी किस लय में जाना जाता है वो चीज नजर नहीं आ रहा है अभी तक। और इस समय अच्छी गेंदबाजी हो रही है पापा बलिया की तरफ से। और विशाल की अगर बात करें और स्पष्ट खेला है किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, सीमा रेखा से बाहर चली गई चार रनों के लिए। तो दो ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर इस समय तीस रन। हालांकि अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है और अपने कोटे का दूसरा टीम की तरफ से तीसरे ओवर की गेंदबाजी करेंगे। तो अब आगे देखना हाल आगे का सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर तो फैराज भाई। ये तीसरा ओवर चल रहा है, अनुपम कोटे का दूसरा ओवर लेकर तैयार है, चार रन लेकर बुलाया है, तुरंत चीज में बाहर गिरता नजर आ रहे, टच पे नजर आ रहे, होरिजन नजर आ रहे रंजित के बल्ले से। और पिछले मुकाबले के लिए मैं लापता हीरो है, जबरदस्त सीटिंग कर रहे हैं, एक चांस बना था लेकिन वो फ्री विकेट थी। स्कोर पहुंच चुका है 36 के आंकड़े पर। अनेक नजर गांव फिर के पास ही क्रम में तैयार है, विकेट की तलाश की जा रही है। कीपर दीप यादव या रंजीत ने पहले बल्लेबाज आउट करे फिर वापसी की जाएगी। इस बार भी सीधे बल्ले से खेला है। तो चार रन जीत पे लगाए छक्के और एक प्रदीप यादव ने छक्का लगाया है, पांच छक्के डेढ़ लग चुके हैं। तो अनूप आपको कुछ करना होगा, पोस्ट के साथ आपको वेरिएशन करना होगा, अपने कहीं कहीं दूसरे ओवर डिलीवरी करनी होगी क्योंकि सामने के बल्लेबाज है उसको पेस पसंद है, पेस के साथ की बल्लेबाजी कर रहा है रंजीत। तो अनूप तैयार है सामने रंजीत और पार क्रॉस किया नजर आ रहे बिल्कुल मारे और सा लग रहा है जैसे घर से कागजार से ठुक रहे हो। रंजीत स्ट्राइक पे मौजूद है और लाल स्ट्राइक के प्रदीप यादव मौजूद है। इस बार अच्छी डिलीवरी थी, डिलीवरी थी पल्ला पहले चला के हल्का सा लेता ही सीधे थर्ड पॉइंट से कोई विकेट नहीं और कोई रन नहीं। स्कोर पहुंच चुका है 48 के योग्य पर, तीसरा रन चल रहा है। जी हाँ बिल्कुल, अभी तक सलामी जोड़ी मौजूद है, कोई विकेट अभी तक गिरा नहीं चाहिए था खबरिया। अनूप एक आठी तैयार है करते हुए, इस बार रैली को घुमाया है, इस बार भी गेंद के सीधे सप्लाई कर दिया है विकास जी का, एक और छक्का। तो प्रत्येक छक्के पर कल्पराज सहारी जी की तरफ से शोर बदल जा रहा है, तेरा जीत का कितना छक्का हुआ। तो रंजीत का छक्का सकता छह छक्के लगाकर रंजीत बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसके पहुंच गया 54 के योग्य पर। अखिलेश यादव लगातार अरुण से बातचीत चल रही है कि रंजीत को कहां बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके बिल्कुल सलाह बल्लेबाजी की जा रही है। वॉलंटियर बेटी सरकार बना रहे थे, वॉलंटियर ये सबसे बेहतरीन गेंद है, ये क्रिकेट की सबसे रोमांचक गेंद है, यानी इस गेंद पर एक चौका या छक्का लगाना बड़ा मुश्किल है। अगर आपके बेहतरीन बल्लेबाज है, अगर आपके पास ये काबिलियत है, ये हुनर है, तो वो किस तरह की हुई। इसको पहुंच रहा है छप्पन के आगे पहुंच सकते थी बात
रेलो 11 बलिया तो आर एस स्टोर बलिया का स्टोर पहुंच चुका है 56 तक 3 ओवर के समाप्ति के बाद। अभी से जोड़ी को कहीं ना कहीं गिराना होगा, विकेट लेना होगा टीम ऑफ काका बलिया। अब चौथे ओवर की पास ही कॉल करेगा क्या अखिलेश यादव आने के पास ही करने के लिए जी नहीं। तो 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 56 रन। अब अगले के पास निशान यानी कंटिन्यू स्कोर के पास ये गांव की निशान के आगे में सौंपा गया है, इनके कंधे के ऊपर जिम्मेदारी को सौंपा गया है। ये सलामी जोड़ी अभी भी बस है, ये सलामी जोड़ी तोड़ दी होगी आपको, ये बड़ी बात को जो तो चलिए इस बार बल्ले का उच्च लगा आओगे सर्वे चलिए सीधे चलिए चलता है लोग आगे का दो खुलकर देते थे आज भी करते हैं जो की जा रहे हैं चप्पा की दो दिन की जा रहे प्रदीप यादव और अंजीत ने अपने अपने चेहरे बदल लिया है चोर को कपिल कर लिया इस स्कोर को चुका है 58 के योग्य पर। अभी भी कोई विकेट नहीं गिरी है, अभी भी सलामी बल्लेबाज ने देखा है कि रंजीत और प्रदीप यादव की जोड़ी मैदान के ऊपर नजर आ रही है। एक विकेट की तलाश में आकर मैं देख रहा हूँ तीन चार को है ये विकेट जो कि सलामी जोड़ी है इसको आप तोड़िए छत्ता का आप करते आएंगे इसका अतलियों को बुलाया था विकेट को ही आएंगे का शेख शक्कर जोड़ी बाकी का काम विकेट कीपर काम को भी बड़े आसानी के साथ कर दिया है। स्कोर अभी भी 58 पे रुका हुआ है, कुछ करना होगा आपको विशाल कुछ कर दिखाना होगा ये सलामी जोड़ी के लिए रंजीत और प्रदीप यादव इन दोनों की तार देनी पड़ेगी काबिले तारीफ बल्लेबाजी चल रही है ये सलामी बल्लेबाजी विशाल एक बार फिर जा रहे उस पार फूलने बल्ले से बिल्कुल पास चल तलाश चल सचिन तेंदुलकर का पास है गेट पे सीधे स्कोर कर दिया स्पेयर कर दिया गेट चलने सीधे प्रांत निकाल गए उस पार अब स्कोर पर चुका है इसी सत्ते में चलते चौ सकते चौ कार्य में चल रहा है और क्या ताकत चौ बल्लेबाजी चल रही है अभी विश्वास दिया अतिरिक्त बल्लेबाजी विशाल एक बार फिर तैयार है तोड़ते हुए इकट्ठे करके इस बार बल्ले को घुमाया है इस बार एक्स्ट्रा कवर की जानब छोड़ने के लिए तो लगातार बैल दूस बोलिंग किया जा रहा है। अब स्कोर पहुंच रहा है 70 पे रंजीत और प्रदीप यादव ताकत तोड़ बल्लेबाजी अविश्वास दिया अद्भुत बल्लेबाजी यहां पर देखी जा रही है प्रदीप यादव के बल्ले द्वारा विशाल का तैयार है इस बार भी बल्ले को घुमाया था इस बार भी विकेट के एरिया के तरफ बल्ले को घुमाया था कड़ी तेज कड़े रफ्तार के साथ लॉक किया था लेकिन दो बल्ले और दो तक सब तक नहीं दो तेज के साथ आया सीधे निकल गया गली के पास ताले के अंदर इसको अभी भी सत्ता पे रुका हुआ है विशाल एक बार फिर तैयार है इस बार कार्यों का प्रयोग किया है शादा में तैयार थे लेकिन वो आखिर के जरिए गए चले गए सरपट सरपट और भी चले गए चार में के लिए इस बार हेलीकॉप्टर के बताया था यहाँ पर प्रदीप यादव ने और सीधे हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर कर दिया स्कोर पर चुका है 73 के स्कोर पर चार ओवर के समाप्ति के बाद अब आगे निकलने के लिए भैया श्याम बाबा शुक्रिया फराज भाई इसी बीच त्रिस्तानी मैदान में गई है और त्रिस्तानी आप जानते हैं कि ये जबरदस्त घूम कर चल रही है और इसमें ये आज का फाइनल डे चल रहा है और ये फाइनल डे का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है कितनी
यहीं बैठो। अब वो साइड में चलो। हेलो, नए गेंदबाज आए हैं इसमें गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज ने नजर तो कमाल की गेंदबाजी करते हैं नजरी आलम। इस समय अपने गेंदबाजी से सबको मुरीद बना देते हैं और ये अपने कुत्ते का पहला टीम की तरफ से चौथे ओवर की गेंदबाजी करेंगे। सामने है रंजीत है और बहुत बढ़िया घूम कर खेला इस बार, गेंद को भेजा है हवाई यात्री पर। अंपायर का इशारा अंपायर बताएंगे, शायद नो बॉल है। पहले ही गेंद पे बहुत ही बढ़िया तरीके से खबर ली है। रंजीत अपने प्रचंड फॉर्म में इस समय गुजर रहे हैं और पहले गेंद को छक्का लगाया है और गेंद को फ्री हिट भी। तो ये देखिए सोने पे सुहागा हो गया रंजीत के लिए। तो रंजीत की जो राजेश इलेवन टीम है इस समय सर चढ़कर बोल रही है। दोनों ही प्रारंभिक जोड़ी जो है इस समय प्रदीप यादव और रंजीत की, अभी तक सोचने वाली बात है कि काका बलिया की तरफ से कोई कौन सा ऐसा गेंदबाज है जो पहले ओवर का पहले विकेट को निकाल कर देता है। ये सोचने वाली बात है। 11 गेंद पे 44 रन बनाकर खेल रहे हैं इस समय रंजीत और उनका साथ दे रहे हैं प्रदीप यादव। 7 छक्के से खूबसूरत लगाए इस समय 14 नंबर जैसी में है नजरे आनंद और कमाल की गेंद थी लेकिन इससे भी बेहतरीन शॉट गेंद को भेजा है फिर से हवाई यात्रे को। 3 रन का नहीं वस्त्र ये ध्वज की शान है, हर भारतीय के वीरों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है और 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। तो इस बीच अंपायर ने गेंद को खिलाड़ी को रोका है क्योंकि गेंद अभी आई नहीं थी और इस समय चौथे ओवर के गेंदबाजी कर रहे हैं नजरे आलम और पहला बल्लेबाजी समय हो रही है। खूबसूरत कवर ड्राइव के लिए है बिल्कुल विराट कोहली के अंदाज में रंजीत अपना खूबसूरत अंदाज पेश कर रहे हैं इस समय राजेश इलेवन की तरफ से। लेकिन आप ताका बलिया को हल्के में ना लें, बहुत ही बढ़िया टीम है, देखने में हल्की लग रही है लेकिन खूबसूरत टीम है। और प्रदीप यादव इस बीच गेंद को खेले हैं लेकिन अच्छी है बैट, मानना पड़ेगा श्याम यादव छोटे कद का खिलाड़ी है लेकिन बिल्कुल बाज की तरफ टूट जा रहे हैं। कमाल का एफर्ट, जितनी भी तारीफ करें और काल धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है और कल्पना सहनी की तरफ से प्रत्येक छक्के पर 100 रुपए का इनाम आया। इसी बीच नजरे आलम सामने है और इस बार पॉइंट के ऊपर से खेला है जब तक कि गेंद को पकड़ा जाता है। अंपायर का इशारा अंपायर बताएंगे कितना रन है। 2 रन दौड़ कर ले लिए, 3 रन लेना चाहते थे प्रदीप यादव और ले भी लिए लेट भाई के रूप में एक और रन मिल सकता है। तो बढ़ता हुआ स्कोर इस समय राजेश इलेवन का। रन तो एक विशाल सा स्कोर है, स्ट्राइक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस समय। चौथा ओवर प्रगति है। ताका बलिया को क्या हो गया है, किसी की नजर लग गई है मुझे लगता है। यहाँ पे विकेट निकालना चाहते हैं लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है और यहाँ पे खूबसूरत अंदाज में गांगुली ने एफर्ट लगाई है अपनी बाई तरफ, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग लेकिन ऐसे काम बनने वाला नहीं है। अब तो यहाँ से 1 विकेट निकालना ही होगा लेकिन यहाँ पे फिर संकल्प के साथ राजेश इलेवन की ओपनिंग जोड़ी मैदान पे आई है और ये नजरे आलम इस समय स्ट्रगल कर रहा है, घुमा कर खेला है और शायद अपनी उंगलियों में फिरा। तो ये प्रदीप का बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ा आघात लगता हुआ इस समय राजेश इलेवन को। तो आखिरकार नजरे आलम ने अपनी नजरों में कैद कर लिया। प्रदीप यादव को बहुत देर से तरह रहे थे लेकिन अब सन्नी यादव
जो पूर्वांचल का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर सन्नी यादव की अगर बात करें तो एक पौधा चट्टान की तरह बिल्कुल डटा हुआ ये खिलाड़ी, कहीं भी खड़ा कर दीजिए और कुछ भी गेंदबाजी करवा लीजिए, फील्डिंग करवा लीजिए, बल्लेबाजी करवा लीजिए, सब कुछ है इस खिलाड़ी के अंदर। लेकिन ये ढाका दलिया इस समय एक कतार में थोड़ी सी मतरा करती हुई गोलू एंड कंपनी गोलू सिंह को एक ब्रेक थ्रू मिल गया है, अब थोड़ी सी राहत की सांस मिली होगी। इस समय नजरे आलम को जो अपना काम करना था वो भी कर लिया, लेकिन रंजीत अभी बाकी है, रंजीत को तेज पसंद है। तो संजीव सिंह इस चिड़चिड़ाती हुई धूप में जो खड़े होकर अथक परिश्रम कर रहे हैं, बार बार गेंदों को पैनी निगाहों से देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा भूमिका है। इसी बीच नजरे आलम हमसे दूर जाते हुए और घुमा कर केला है, लपेटा मारा है, गेंद को भेजा है सीमा रेखा से बाहर चार रनों के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर इस समय राजेश 11 का 97 रन, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 97 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पहला सेमीफाइनल हुआ था बिल्कुल एक तरफा, अब दूसरा सेमीफाइनल भी मुझे लग रहा है कि इसके पहले हमारे अजीज मित्र ने भविष्य हमारी की थी, मैं नाम नहीं खोलूंगा, मैं समाप्त हो जाने के बाद हमारी उनकी बात होगी कि ये भी मैच मुझे लग रहा है एक तरफा होगा। लेकिन आज अखिलेश यादव 2 नंबर जर्सी में गेंदबाजी करेंगे, अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से 6 ओवर की गेंदबाजी करेंगे और इस खिलाड़ी के अंदर वो सहनापन नजर आता है, वो तेजी वो गति सब कुछ नजर आती है वेरिएशन है इनके अंदर। लेकिन अब वो देखने वाली बात है, सामने है रंजीत चढ़े बदन का खिलाड़ी और इस बार बिल्कुल चढ़ में डाला था, अगर गेंद का मोटा सिरा लेकर के फर्स्ट स्लिप के बगल से चली गई जब तक गेंद गिरर की जाती तो वही बल्लेबाजों ने छोर बदला। तो खूबसूरत ये मुकाबला चल रहा है इस समय, सफर अंजेद इस समय इस मैच को लाइव दिखा रहे हैं, सफर अंजेद भी इस समय पूरे पूर्वांचल में छाया हुआ है ये लड़का, और इस समय आजमगढ़ लाइव भी दिखा रहे हैं यहाँ पे फिर से चले हैं। और ये देखिए फ्लैट घुमा कर के रहा है लेकिन इसके नीचे खिलाड़ी है और मास्टर साहब को वापस जाना पड़ेगा। तो संगीत इस चीज के लिए जाने जाते हैं वो चीज नहीं कर पाए क्योंकि गति बहुत तेज थी, विराट की जो गेंद है देखने में बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल जड़ में डाली थी, गेंद को अच्छी तरह से परख नहीं पाए, फ्लैग खेलना चाहते थे लेकिन अच्छी तरह से नहीं आई। लेकिन अब पूर्वांचल का सबसे होनहार और सबसे मजबूत खिलाड़ी रवि वाराणसी अगर मैं तो आप बता दें तो बहुत ही हर छक्के पर कल्पराज साहनी की तरफ से 100 रुपए का जो इनाम आया है उसको दोनों हाथों से कबूल कर रही है टीम राजेश 11। हिंदू मुस्लिम सद्भावना कप का जो ये मिसाल है, मिसाल क्रिकेट टूर्नामेंट आज अपने संचर का बोल रहा है और उसमें जो फटाफट सारे लोग शेयर कर इसी बीच अखिलेश काफी अच्छे गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी ज्यादा बाहर और अंपायर का इशारा वाइट, सोचा समझा परखा और हाथों को फैलाया, कमाल की इस समय अंपायरिंग हो रही है। तो मैं विजय साहनी की जितनी भी तारीफ करूं क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम सद्भावना जो कप आपने कराया उसके लिए हम कौन सा धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये जोरदार घुमा कर खेला है गेंद को भेजा हमारी आते पर, पहली बॉल पहला सिक्स रवि के बैट से निकलता हुआ। जी हाँ पहली बॉल पहला रामनिवास भैया का तो नाम हमने सुना था क्योंकि आईसीसीएल में शायद ऑनर थे, आज हमने देख भी लिया। महेश राय बता रहे थे आपके बारे में और अंपायर बताएंगे ये डॉट बॉल थी क्या, संभवतः डॉट बॉल थी। और अब चले हैं अखिलेश के सामने है बागत रवि कमाल का शॉट, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस खिलाड़ी की अगर बात करें तो जितनी
बहुत ही जरूर है, उस हिसाब से कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है खिलाड़ी। अगर दो चार ओवर रह गया तो तबाही मचा देगा। और ये है रवि, रवि वाराणसी कमाल की बल्लेबाजी। और ये देखिए फिर से खेला, उसके नीचे खिलाड़ी है, जब तक गेंद फेंकर करते एक रन चुराया तो बढ़ता हुआ स्कोर इसी में आगे सिलेवर का 112 रन। अभी भी छह ओवर की समाप्ति के बाद 112 रन। तो मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे उच्चतम स्कोर माना जाएगा। तो हमारे बगल में हमारे बड़े भैया कल्पना साहनी जी की तरफ से जो हर एक छक्के पे 100 रुपए का पुरस्कार आया है, हमारे बीच में महेश राय जी आए हैं जो पूर्वांचल में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज जाने जाते हैं। और यहाँ पे छह ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 112 रन। अब नए गेंदबाज आए हैं गेंदबाज में बेचन, छोटे कद का छहरे बदन का एक खिलाड़ी। और देखते हैं अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से सातवें ओवर की गेंदबाजी करेंगे। 20 नंबर जर्सी ने अंपायर को ग्रास किया है। बढ़िया गेंद, कमाल की गेंद, इछाल थोड़ी सी कम थी और खूबसूरत। रवि जैसे बल्लेबाज को शकाना आसान नहीं होता, पूरे पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि पूरे वाराणसी का ये सबसे बेहतरीन खिलाड़ी इस समय पाल नर्जा में अपना बोल वाला दिखा रहा है। और इस समय चल रहे हैं बेचन, अच्छी गेंदबाजी लेकिन इस बार टूट कर पड़ा है और क्राउड कैच लेना चाहते थे लेकिन इस बार बीत हुए और गेंद को जल्द से जल्द ला दें। एक और छक्का तो कल्पना साहनी अपनी जेब को बिल्कुल खोल रखे है यहाँ पे, दोनों हाथों से आप कबूल कर सकते हैं। रंजीत और रवि की जो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने है रवि। और ये देखिए दोनों सलमान मिर्जा ने इस तरीके का जो बॉडी लैंग्वेज है रवि का, उस हिसाब से क्या कमाल का शॉट खेल रहे हैं। थोड़ी सी अपील वहां पर गांगुली द्वारा हुई है कि शायद उनके पैर से गेंद लगकर स्टंप में कहीं टच न कर गई, लेकिन अंपायर दोनों ही चुस्त मुस्तैद नजर आ रहे हैं। तो अब हम कल्पना भैया के लिए कहना चाहेंगे, इज्जत मिलेगी दोस्तों, ईमान होना चाहिए, इज्जत मिलेगी दोस्तों, ईमान होना चाहिए, पैसा नहीं औरों में भी पहचान होनी चाहिए। हो जाएगा हर एक खिलाड़ी का बेड़ा पार, बस कल्पना भैया जैसा इंसान होना चाहिए। तो इसी बीच बेहतरीन शॉट अजीब वाली बंदाज में इस बार खेला है। मैं बता रहा था कि रवि बावतपुर जब तक ग्राउंड पे रहेंगे तबाही मचाकर रखेंगे, निश्चित तौर पर ये काबिले तारी अतुलनीय पारी। और मुझे लगता है इस पूरे टूर्नामेंट का, इस सेकेंड सेमीफाइनल का ही नहीं पूरे टूर्नामेंट का सबसे उच्चतम हाईएस्ट स्कोर माना जाएगा। क्या मुझे लग रहा है कि ये टाटा बलिया को नजर लग गई है किसी की, क्योंकि जो गेंदबाजी पहले देखने को मिली थी लेकिन अच्छी गेंदबाजी इस समय कर रहे हैं बेचन, लेकिन अच्छा एफर्ट यहाँ पर अखिलेश द्वारा। तो सातवां ओवर इस समय चल रहा है और एक पहाड़ सा स्कोर साइड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो विजय साहनी का जो सपना था अपने बल्लियों पर चलकर बोल रहा है कमाल का, ये चमचमाती हुई प्राप्ति जो विश्वकप की तरह दिखाई दे रही है। कौन सा खिलाड़ी, कौन सी टीम इस कप को धारण करेगी। और इसी बीच बेचन, अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छा डॉट किया है। और हमारे साथी कमेंटेटर फयाज भाई अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आ जाए। तो सात ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 121 रन, दो विकेट के नुकसान पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी 18 गेंदे आने से नजरे आलम अपने कोटे का दूसरा और टीम की तरफ से आठवें ओवर की गेंदबाजी करेंगे। तो नजरे आलम एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी नजरों में कैद किया है प्रदीप, जो प्रारंभिक जोड़ी के रूप में आए थे। और इस समय नजरे आलम थोड़ा सा वार्म अप होते हुए और सामने है
पूर्वांचल के सबसे टॉप 10 बल्लेबाजों में से एक रवि रवि वाराणसी इस समय नजर आलम है उनके सामने, देखते हैं उनका किस तरीके से स्वागत करते हैं। लेकिन अच्छी गेंद, गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी और ज्यादा बाहर निकली, बाकी का काम विकेट कीपर गांगुली ने पूरा किया। तो ये मैच जिस तरीके का सेमीफाइनल होना चाहिए, कहा जाता है कि सेमीफाइनल की हार पुलिस की मार, जामुन की बार एक तरफा प्यार, ये हमेशा याद रहता है। और अब यहाँ देखने को मिल रहा है जफर जेठी, देखिए वहीं की तरफ आप थोड़ा सा भी हार देते हैं तो एक खिलाड़ी चौथा का मार करता है। जितनी तारीफ करें रवि की शायद कमी होगी, क्योंकि यहाँ पे दर्शक, मैं बता दूं दर्शकों में रूह हुजूम नजर आ रहा है, थोड़ी भी तालियां बजाते रहे। और ये देखिए आज का सबसे हाईएस्ट और हाई छक्का, तो रवि का बल्ला इस समय आग उगलता हुआ, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी राजेश इलेवन की तरफ से हो रही है। और इस बार बिल्कुल जड़ में डालिए, आप कहीं भी डालिए वो मारने के लिए तैयार है, इतना फल है, इतना सब कुछ है उनके अंदर, आज वो सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन नजरे आलम भी कमाल के गेंदबाज है, आप मारते रहिए लेकिन ये धरने वाले नहीं है। लेकिन रवि का, रवि वाराणसी इनका बल्ला खामोश होने का नाम नहीं ले रहा है। आज लग रहा है कल्पना भैया को फाइनल में पहुंचने वाली हमजा एंड कंपनी है, मुझे लगता है आज इनका जो झोला है वो खाली हो जाएगा। लेकिन सरस्वती निजी हुआ पे पास करती है, भैया जितना लुटाएंगे उसका चार गुना इनकी झोली में भर देंगी सरस्वती माँ। तो कमाल की बल्लेबाजी इस समय हो रही है। और ये देखिए फिर से खेला, उसके नीचे खिलाड़ी है लेकिन चूक गए और ये सब कटलाइन बाउंड्री के बाहर चली गई। तो ये तो नजाकत हो रही है, ये चट्टान है, 141 रन हो चुका है, आप अंदाजा लगा सकते हैं 8 ओवर की समाप्ति के बाद। लेकिन गोलू एंड कंपनी भी कम नहीं है अपने आप में, फिर से बेचर अपने कोटे का दूसरा टीम की तरफ से 9 ओवर की गेंदबाजी करेंगे। लेकिन इस खिलाड़ी को देखने के बाद अब अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ऐसी अतुलनीय पारी खेल सकता है। ये खिलाड़ी कहीं भी जाता है अपने बल्लेबाजी से मुरीद बना देता है, बहुत ही बढ़िया। सभी दर्शक इस समय आनंद ले रहे हैं इस मैच का। और यहाँ ही नहीं बल्कि देश विदेश में जफर एंजेट के माध्यम से, आजमगढ़ क्रिकेट लाइव के माध्यम से सभी लोग इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे बीच में एकलव्य सेवा मंडल, सूरत गुजरात एवं हिंदू मुस्लिम सद्भावना कप विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आह्वान हुआ है उसका आज अंतिम दिवस है और अपने बुलंदियों पर सर चढ़कर बोल रहा है। और निश्चित तौर पर जो एकलव्य सेवा मंडल का जो मंच बनाया गया है, अभी मैच को समाप्त हो जाने के बाद भव्य स्वागत किया जाएगा। और इसी बीच बेजम अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सुजीत सानगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अब उनकी जरूरत है क्योंकि हमारे सीनियर कमेंटेटर इसी बीच बेचैन चले हैं, उनके सामने है और ये उठाकर खेला है। लेकिन गेंद खिलाड़ी से बहुत ज्यादा ऊंची निकल गई, अशोक प्रधान जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं कमेटी बात से संपर्क कर लें। तो बढ़ता हुआ स्कोर इस समय राजेश इलेवन का 143 रन, 8वां 9वां ओवर इस समय डाल रहे हैं बेचर अपने कोटे का दूसरा, टीम की तरफ से दूसरा सेमीफाइनल कमाल का ये मैच। ये जितने भी दर्शक हैं अपनी निगाहों में आप कैद कर लें, ये ऐसा मैच कम देखने को मिलेगा आज। और ये देखिए फोन का ताबा भी मिल जाता है कि कमाल का कैच, नजरे आलम ने दूसरी बार अपनी नजरों में कैद कर लिया और एक ऐसा एक बड़ी मछली जाले फंसी, लेकिन काम अपना बखूबी करके जा रहे हैं। 18
गेंदों में 56 रनों की पारी खेली है। कम से कम अपने बल्ले का अभिवादन स्वीकार करते दर्शकों को रंजीत भाई। ओके सलीम बनारसी भाई, जो हमारे साथी कमेंटेटर फयाज भाई है, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आजा। राजेश इलेवन का अगर कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी हो तो यहाँ पे आ जाए नाम बताने के लिए। बाबू बाबू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और बाबू किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बेचैन इस समय तक भरते हुए अंपायर को क्रॉस किया है और इसका हेलीकॉप्टर को लैंड किया है, लेकिन इसी है पलार से कैच ड्रॉप। तो ये दबाव जो होता है उसको झेल पाना आसान नहीं है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजेश इलेवन सोची भी नहीं होगी कि उनके बल्लेबाजी तरीके की बल्लेबाजी इतनी घातक बल्लेबाजी, लेकिन राजेश इलेवन से कम नहीं है काका भैया। जहां पे अखिलेश श्याम मोनू सिंह गोनू सिंह बहुत ही बढ़िया बढ़िया बल्लेबाजी अभी गहराई है, और ये देखिए फूल का संतरिक्ष में गेंद को भेजा है, इस बार तारामंडल में गेंद को भेज दिया। रवि के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, कमाल का बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी, जितनी भी तारीफ करें कम होगी। अतुलनीय बल्लेबाजी, अविश्वसनीय बल्लेबाजी, क्या बल्लेबाजी हो रही है, ये तो नजाकत कर रहा है खिलाड़ी। और ये देखिए कहीं से कहीं भी डिविलियर्स से कम नहीं है, और ये रन आउट डायरेक्ट हिट। तो अब बाबू को वापस जाना पड़ेगा, तो राजेश इलेवन लगने वाला ये तीसरा झटका। नौ ओवर समय चल रहा है, नौ ओवर की गेंदबाजी हो रही है बेचम द्वारा, और अंपायर का इशारा शायद ओवर हो चुका है। नौ ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर इस समय राजेश इलेवन का। तो अब सुजीत भाई को आराम बहुत हो चुका है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो लास्ट का जो समय होता है, कहा जाता है कि रामायण का शुरुआत बड़ा ही फलदायी होता है, तो अब यहाँ अंत फला तो सब फला। नौवां ओवर चल रहा है, कुछ रन हुआ है 150 के आसपास, 150 प्लस ही है, नौ ओवर हो गया। तो नौ ओवर की समाप्ति पर 152, अब श्याम के सामने अब सबकी साझेदारी हम देख रहे हैं। यहाँ पर ये अंश पर फूल है रवि का, 17 गेंदों पर रवि। सलाम संजीव गुप्ता, कैसे हो भाई? बड़े मैच का बड़ा प्लेयर श्याम, ये ताकत और नजाकत। चेहरा सीधे हैट्रिक सिक्स पे है, 19वां छक्का लग चुका है, 164 रन स्कोर हुआ, 164 और ये आउट। रवि आउट, क्राउड कैच बीएसई स्पोर्ट की तरफ से आपको 100 रुपए। आइए बस बढ़िया, विपेश आनंद भी दोस्ती की तरफ से आपको 100 रुपए का इनाम मिलेगा। अब आए दो भाई किशोरी विनय और रिंकू, रिंकू स्ट्राइक पर होंगे। जी हाँ रिंकू जो फाइनल में टीम पहुंची है रज्जी इलेवन आजमगढ़। अब यहां से अलोक जी ये जो कैच पकड़े हैं कहां के रहने वाले रेडी जी। अब ये जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प है, आखिरी ओवर चल रहा है, श्याम गेंदबाजी कर रहे हैं। अब
भी अगर मुकाबला जीतना है, रन बहुत ज्यादा बोर्ड पर नहीं है और ये रन चेस होते हुए हमने देखा है, स्थान पर 157 रन चेस हुए, 164 रन लग चुके। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, इनिंग की सेमीफाइनल मैच की आखिरी गेंद, ये एक रन चुरा लिया है, एक ही रन से फिर तो उसको ना पड़ेगा आज 165 रन बनाने, 166 बनाने हैं, 166 टारगेट हम आते हैं जरूरी, जब तक आप लोग लगे रहिए। हेलो, शुरुआत जो पहले ओवर की जिम्मेदारी हम देख रहे हैं, तीन गेंदबाज के ऊपर सभी जा रही है, जो वरुण गेंदबाजी कर रहे, बहुत बढ़िया स्विंग गेंदबाज, एक्सपीरियंस क्वालिटी बॉलर वरुण, और अब दोनों जो सलामी बल्लेबाज है, दोनों के पास एक लंबा अनुभव है इस सेमीफाइनल मुकाबले में, अगर ताखा बलिया का मुकाबला जीतता है यानी गोलू लेवल को, तो पूरा कारोबार मोनो और गोलू को ही संभाल जाएगा। सभी में शुरुआत ये अपील की जा रही है जोरदार तरीके से, अंपायर बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े, वरुण अभी भी मांग कर रहे, रेफरल किया है सेकंड अंपायर की तरफ, हालांकि यहां पर रेफरल यहां पर मना कर दिया, अब वरुण गेंदबाजी करेंगे, हर ओवर में 17 रन बनाने होंगे अगर ये मुकाबला जीतना है, बहुत कड़ी गेंदबाजी नजर आ रही है बलराम पांडे और यहां पर बाबू वरुण, एक बढ़िया सनी, एक बढ़िया जो कि गेंदबाजी लाइनअप के साथ बेहतरीन टीम, ये कौन लेट काम सीमर और ये बड़ी से पलता हाथ लगी है, अब नए बल्लेबाज देख रहे मैदान के अंदर कौन आ रहे हैं, गांगुली इनफॉर्म प्लेयर प्रचंड फॉर्म में, 5 गगन बेदी 6, 3 गगन बेदी 6, 3 गगन बेदी 6, कई कीर्तिमान स्थापित है इस श्रृंखला में, हल्ला बोल बल्लेबाजी, नाम है गांगुली, अब ये बल्लेबाज मैदान पर जितने देर रहेगा उतने देर ताखा बलिया आगे बढ़ेगी, 166 रन में जो मैदान पर सीरीज का जो अवार्ड है जितना वो जो पहले से ही बता दिया गया है, लेकिन राम गंगा चौहान जी के द्वारा 54 रुपए से और एड कर दिया गया है, संजय टेंट हाउस ये लोग ये पहले गेट पर से के खिलाफ क्या लाते बल्लेबाजी, जैसे कि मैंने कहा कि यह इनफॉर्म है, वही वो बल्लेबाज है जो ताखा को ऊपर लेके जा सकता है, वरुण की आग बढ़ती हुई गेंदों का जवाब है इनके पास, कर्कश का हर तीर, ये एक और ऊपर स्टोर्स लगा है, लेकिन इस बार सभी भाग रहे, बहुत दूर गेंद निकल गई है, फिर भी अभी भी हम प्यार की तरफ देख रहे हैं, 2 रन से संतोष होना पड़ेगा, स्कोर 9 रन, बिट्टी गिरी लेकिन रन पर अंकुश नहीं लगना चाहिए, तभी यह मुकाबला बनेगा, और जो गाड़ियां हैं सामने जहां पर भैया बैठे रहे पीछे की तरफ, वो गाड़ियां बाहर निकाल ले, आप बैठे ठीक है, गाड़ी का वहां स्तर नहीं है, आप उस गाड़ी को निकाल दें, ये लपेटा मारना चाह रहे थे, दूर रखा बॉडी से गए, ओवर नंबर 1 समाप्त हुआ, एक ओवर की समाप्ति पर
स्कोर है 9 रन। अब देखते हैं बहुत सारे दोस्त और भाई, एक ओवर में 9 रन आया है 166 के जवाब में। अब ये मोनू का चलना जरूरी है, बाबा यानी दूसरे लेफ्ट आर्म मीडियम पे सर। ट्रॉफी है, लोग ताजमहल देखने जाते हैं, लेकिन अब लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम से भावना कप देखने आना पड़ेगा। बाबू बढ़िया पेस, बढ़िया स्विंग, यही इस गेंदबाज में खास बनाते, एक्सपीरियंस भी है, क्वालिटी भी है। लेकिन मोनो आज आपको दिखाना पड़ेगा कि आप क्यों बलिया के अच्छे बल्लेबाजों में थे। और आज अगर आप नहीं चले, ये उम्मीदों के बाबे आप पर टिका हुआ। क्या गेंदबाजी है ये, बिल्कुल उच्च स्तरीय। हमारे बहुत से जो लोग हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे बीच में जुड़े हुए एकदम सेवा मंडल के सभी पदाधिकारियों का हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और ये हवा में गिर रहे, ये बढ़िया फील्डर है और उसे क्या छूटना मुश्किल है। आप जो है टाका बलिया मुश्किल में, सोनू यादव ग्राम ताज पूरी तरह से, अगर प्रदीप यादव की टीम विजेता होती है तो 1500 रुपया का इनाम। तो प्रदीप की टीम के विजेता होने पर है इनाम, यानी इनाम स्पेशली टीम को है, प्रदीप यादव को है, ताजपुर सोनू यादव। स्कोर 9 रन। अगले बल्लेबाज है सोनू सहवाग। ये जो बाबू है ना, सिर्फ बिकने में मुलायम है लेकिन कठोर गेंदबाज है, बल्लेबाजों की परीक्षा बहुत लेते। वकार का अच्छा ओवर निकला, सफल ओवर में कहूंगा, एक ओवर में 9 रन खर्च किए थे, बहुत सफल है। अब सोनू सहवाग बड़ी रन की जरूरत, बिल्कुल नहीं, एक स्टॉक बॉल डाल रहे बाबू, एक ही लेंथ पकड़े हुए और एक ही ठिकाने पर गेंद डाल रहे। राजा तालाब इनका घर है, वाराणसी का ये बाबू है, नाम प्यार से बाबू बुलाते, काम भी वैसा ही थे, कोई जवाब नहीं, मेरे निकल बहुत समाप्त हुआ। टूर्नामेंट का ये दूसरा मेडल और अब पूरी तरीके से टीम दबाव में। नबीर कश्यप एक और एक्सपीरियंस गेंदबाज, वकार बाबू इतना बढ़िया गेंदबाजी लाइनअप है, आसान लाइनअप नहीं है, देख रहे एक से एक खिलाड़ी है इस टीम में। अब नबीर कश्यप बंगाली एक्सप्रेस, अब ये अच्छे खिलाड़ियों में मुंबई सुप्रीमो चषक के हीरो, कई मुकाबले 6-6 रनों पर इन्होंने जीता है। सोनू यादव 1500 रुपए देंगे प्रदीप यादव की टीम को जीतने पर, 100 रुपए इंडियन न्यू फैशन दे रहा है नदवा सराय, 1600 रुपए वार्षिक
लासी क्रेसी जी, नवीन बदली एक्सप्रेस अपना गल बोली हैदरी सिक्स पर 500 देंगे मैंने श्री बाल मुकुंद क्या मजा पा रहे हैं जब रन ओवर बताने के लिए स्कोर हुआ 15-16 रन छक्के की मदद से 10 एक सिंगल आया था और ये 14-16 अब यहां से हर ओवर में 2 स्ट्रोक्स लगाने लगभग 13 रन चाहिए ये तीसरा ओवर चल रहा है एक रन भाग लिया गेंदबाजी लाइनअप नजर आ रही है अभी बलराम पांडे ओवर करने आएंगे सनी यादव बाबू वकार नबीन वरुण ये इतनी बढ़िया गेंदबाजी माफ करना वकार नहीं जरूर है 5 अच्छे गेंदबाज है सनी के की हाइट जरूर अच्छी है लेकिन यहां छोटे पर जाएंगे जब हम इधर देखे पूरे मैदान पर जो है स्कोर हुआ 23 रन स्कोर 23 रन 166 जवाब में सोनू सहवाग के बल्ले से पहला सिक्स स्कोर हुआ 24 चौथा ये ओवर चल रहा है तीसरा ओवर ये चल रहा है स्कोर है 24 रन हमरा एंड कंपनी लेकिन जिस मुकाबले की जरूरत है सेमीफाइनल में वैसी लड़ाई नहीं हो रही है गांगवानी से उम्मीद है टीम को सहवाग से सोनू सहवाग बढ़िया है क्लासिकल स्टोक चावल स्कोर हुआ 28 हर सिक्स पर कल्पना सहनी जी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे पहले मैच में 3200 रुपए का इनाम दे चुके सोनू सहवाग का बल्ला गरज रहा है राइट आर्म मीडियम पेसर बदले एक्सप्रेस नवीन ये थोड़ी सी इनको बर्दाश्त करने में दिक्कत हो रही क्योंकि जो स्टंप से पास है इनका जो पैर है जो बॉलिंग छोड़ रहे हैं वो सही नहीं हो पा रहा है स्कोर चौका है वन बाउंस ऑफ द ओवर 32 रन बाल मुकुल साहनी भी यहां है ड्रिक सिक्स पर 500 रुपए का इनाम दे क्लब सेवा मंडल कोई भी बल्लेबाज अगर हैट्रिक लगाता है 3 सिक्स पर 500 और हर सिक्स पर 100 रुपए दे रहे हैं कल्पना साहनी भी अब ये ओवर में रन तो आए स्कोर है 32 रन तीसरा ओवर चल रहा है लगभग 16 रन पे क्लियर करना एक बढ़िया कैट क्या आपको ढूंढ निकाला एक रन भागे है दूसरा भागना चाह रहे लेकिन आप जो है यहां पर सिंगल से नहीं बनने वाला ओवर नंबर 2 और आगे कमेंट्री के लिए मेरे साथ जुड़े हैं सुशील बाबा तो धन्यवाद सुजीत सहन जी 3 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर इस समय ताखा बलिया का 35 रन 2 महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है यहां पे राजेश 11 की टीम अब बाबू अपने कोटे का दूसरा और टीम की तरफ से चौथे ओवर की गेंदबाजी करेंगे
तो वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली की जोड़ी इस समय मैदान में दिखाई दे रही है और सहवाग के बल्ले से ये लॉफ्ट किया गया पहला छक्का, तो सौरव एक हकदार बन चुके हैं इस समय। और कल्पना साहनी की तरफ से प्रत्येक छक्के पे हर खिलाड़ी को जो भी खिलाड़ी छक्का लगाता है, इसी बीच बाबू वेरिएशन है इनकी गेंदबाजी में, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल जड़ में डाली थी लेकिन इस बार सीधे बल्ले से खेला। जब तक प्रदीप गेंद को घेर करते दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन चुराया, तो बढ़ता हुआ स्कोर इस समय ताखा बलिया का। सहवाग अब तक दो छक्के लगा चुके हैं और इस समय छोर को बदल कर गेंदबाजी कर रहे हैं बाबू, जो फिरकी के लिए जाने जाते हैं। कमाल का वेरिएशन है इनका और इस समय जब भरते अंपायर को क्रॉस किया उनके सामने सौरव गांगुली और बढ़िया गेंद, गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी ज्यादा बाहर निकली। आरएस स्पोर्ट अगर इस मैच को जीतती है तो उसे 1500 रुपए की धनराशि दी जाएगी सोनू यादव की तरफ से। सोनू यादव ताजपुर की तरफ से, प्रदीप यादव की टीम अगर विजेता होती है तो उसे 1500 रुपए दिया जाएगा केवल प्रदीप यादव की टीम के लिए। न्यू गारमेंट नदवासराय की तरफ से भी 1500 रुपया मिलेगा, 1600 रुपये। और इस बार एक और बेहतरीन छक्का, तो सौरव गांगुली अब तक जितने भी छक्के लगाए हैं सभी छक्कों में कमाल का एफर्ट रहा है, अलग अलग अंदाज में छक्के लगाए हैं सौरव गांगुली, तीन छक्के लगा चुके हैं। और कल्पराज साहनी की तरफ से 100 रुपए और ले चुके हैं और इस बार घूम कर खेला है, ये देखिए लपेटा मारा है कमाल का शॉट। दर्शक पूरी तरह से इस मैच का आनंद ले रहे हैं, आप बैठे रहे बिन काम के बैठिए क्योंकि ये सेमीफाइनल का मैच है और ऐसे ही ये मैच नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये ताका बलिया है और सौरव गांगुली और सहवाग की जोड़ी जब तक वहां पे रहेगी। 4/53 रन एक समय लग रहा था कि ताका बलिया बहुत पीछे नजर आ रही है लेकिन जब से सौरव गांगुली और सहवाग बल्लेबाजी कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया लय में दिखाई दे रही है, धीरे धीरे स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। अब आ रहे हैं सन्नी यादव, सन्नी यादव अपने कोटे का पहला, टीम की तरफ से पांचवें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। 4 ओवर में 53 रन बनाई है 2 विकेट के नुकसान पे और 166 का टारगेट मिला है पहले बल्लेबाजी करती हुई राजेश स्पोर्ट की, राजेश इलेवन की टीम 165 रन बनाई 10 ओवर में, जबरदस्त बल्लेबाजी की रवि वाराणसी ने। और अब उसका पीछा करने आई है ताका बलिया की टीम और किस तरीके की बल्लेबाजी करेगी ये तो आने वाला लगता है, लेकिन सनी छोटे कदमों से इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर अंदाज में, लेकिन कैच को यहाँ पे लपका है लेकिन अंपायर चुस्त मुस्तैद नजर आ रहा है लेकिन दोनों हाथों से अंपायर ने उसे नकारा। रिंकू यादव थोड़ी सी अपील जरूर किए थे लेकिन उत्साह ज्यादा था, विश्वास कम नजर आया, लेकिन 7 नंबर जर्सी में बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में चहलकर्मी करते हैं विकेट के पीछे और वहां से सभी खिलाड़ियों को स्टैंड करते हैं। ये काबिलियत है इस खिलाड़ी की, इस समय सनी यादव छोटा रन हमसे दूर जाते हुए अच्छी गेंदबाजी और स्टंप से ज्यादा बाहर गेंद को छोड़ा, बाकी का काम विकेट कीपर रिंकू यादव ने पूरा किया। इस समय राजेश इलेवन काफी बड़ा स्कोर खड़ा की है, साइड स्क्रीन पे इसमें दिखाई दे रहा है और अब सनी यादव अपने कोटे का पहला, टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए हैं और ये देखिए कमाल का साथ आगे बढ़कर गेंद को भेजा और आई यात्रे पर बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 59 रन। 5वां ओवर इस समय प्रगत है, सनी यादव
कि जोगेंद्र कमाल का साथ इस बार खेला है, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत जिस वजह से यहाँ पे अंपायर ने रोक दिया। सौ वांगली को अंपायर से और यहाँ पे शमी यादव गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस बार जाल में फंस गए। आरएस स्पेड मालीपुर इसके ऑनर है जो टीम फील्डिंग कर रही है, रिंकू एंड कंपनी इसके मालिक है आरएस स्पेड मालीपुर। अभी अभी खबर आई है, मुझे पता नहीं था। और इसी बीच सहवाग का विकेट गिर चुका है और उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं श्याम यादव। बहुत ही बढ़िया छोटा बम बड़ा धमाका, अगर ये बल्लेबाज दो चार ओवर रह गया तो यहाँ पर तस्वीर कुछ और नजर आएगी। साइड स्क्रीन में का एक बाल नजर आएगा, लेकिन ये देखने वाली बात है खिलाड़ी कब तक यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से पांचवा ओवर अभी भी चल रहा है, पांचवें ओवर की गेंदबाजी चल रही है सन्नी यादव द्वारा। और पांच ओवर की गेंदबाजी में कितना रन बना है, 65 रन बन चुका है। पांचवा ओवर अभी भी प्रगत पे है, श्याम यादव आए हैं, अभी उनको खाता खोलना बाकी है। और गांगुली जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं बखूबी वो कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो ब्रेक थ्रू निकल जा रहा है ये उनके लिए थोड़ा सा चिंता का सबब हो रहा है। ये सेकेंड सेमीफाइनल ताल नर्जा थप्पे तो विजय साहनी का जो सपना है वो अपनी बुलंदियों की तरफ चढ़ चढ़ कर बोल रहा है। और क्यों ना हो, इतना बड़ा मुकाबला और सभी दर्शकों के लिए ये ऐतिहासिक मुकाबला होगा निश्चित तौर पर। दो निर्णायक इस समय निर्णायक कर रहे हैं, संजीव सिंह फर्स्ट अंपायर है, सेकेंड अंपायर है मोनू और इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस बार फ्ली करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले से कोई संपर्क नहीं। इस तरह से पांच ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 59 रन। तो अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं नए गेंदबाज, बलराम पांडे। आरएस स्पोर्ट की तरफ से गेंदबाजी करेंगे बलराम पांडे। किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल उनके सामने है पूर्वांचल के सबसे बढ़िया बल्लेबाज इस समय सौरव गांगुली और फयाज भाई जो हमारे साथी कमेंटेटर है, एकाएक खो जा रहे हैं आप, कहीं आपको नींद तो नहीं आ गई। इस समय बलराम पांडे गेंदबाजी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इलाहाबादी बलराम पांडे इलाहाबादी समय प्रयागराज से चलकर आए हैं और ट्रक भरते हुए सुमन के सामने है सौरव गांगुली। और ये देखिए आप ही जाल बिल्कुल भून कर रखी थी और अपने जालों में फंसा लिया और इतनी बड़ी मछली कि कहा जाए तो ये मछलियों में रोहू, बहुत बड़ी मछली जाल में फंसाया है। जितनी भी तारीफ करें कम होगी, तो पाका बलिया को लगने वाला ये बहुत बड़ा झटका। अगर प्रदीप यादव की टीम अगर जीतती है तो सोनू यादव ग्राम ताजपुर की तरफ से प्रदीप यादव की टीम को 1500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। और प्रदीप यादव मुझे लगता है दोनों हाथों से कबूल भी करेंगे। तो अब जा रहे हैं अखिलेश यादव फुल आउट। वासिब कुरैशी की तरफ से 100 रुपया दिया जाएगा प्रदीप यादव को टीम अगर उनकी जीतती है। अखिलेश यादव इसमें ग्रार्ड ले रहे हैं, उनके सामने है बलराम पांडे, प्रयागराज से चलकर आया है खिलाड़ी। और इस समय उनके सामने पूर्वांचल का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, ऑलराउंडर बल्लेबाज, लेकिन बल्ली का मोटा सिरा लेकर के दास्तानों में चली गई विकेट कीपर 7 नंबर जर्सी में। इस समय रिंकू यादव के खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है। ताबड़ तोड़ लगातार बलराम यादव करामाती गेंदबाज नजर आ रहा है इस समय। प्रयागराज का जो मनोबल है उसको ऊंचा कर रहा है फतेहपुर मिर्जा ताल में। इस मैच को
देश विदेश में सारे लोग जब रेंजेट के माध्यम से देख रहे हैं। हमारे साथी कमेंटेटर जो सुजीत सांगरानी की सराय से चलकर आए हैं, मैं उनका वेलकम कर रहा हूं और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज इतने बड़े मंच पे अगर हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आपका अतुलनीय योगदान है। विजय साहनी का ये मैच अपनी बुलंदियों पर सशक्त बोल रहा है। इसके बाद फाइनल मैच खेला जाएगा, बहुत बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जफर एनजे इस समय छात्री लगा करके इस मैच को दिखा रहा है। बलराम पांडे इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने है बेचन। हालांकि पैरों पर गेंद आई थी, क्लिक करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले से कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो प्रदीप यादव जो आर एस स्पोर्ट की टीम से जुड़े हुए हैं, कमाल की टीम उतारी है रवि जरा से, तो बलरामपुर इलाहाबादी तमाम ऐसे खिलाड़ी है। इस विजय साहनी के टूर्नामेंट को साकार कर दिया है इस खिलाड़ियों ने। और इस समय बलराम गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल जड़ में डाला है, वहां पे धूल बिल्कुल धूल उठा रही है और अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अब तक की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी कही जा सकती है बलराम पांडे की। प्रयागराज का ये हरहार खिलाड़ी निश्चित तौर पर इस टीम का ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल का नाम रोशन कर रहा है। और इस बार घुमा कर खेला, इसके नीचे खिलाड़ी है और एक और विकेट का पतन। तो पहले ही ओवर में तीन सफलताएं अर्जित की। ये एक कीर्तिमान है इस टूर्नामेंट का अब तक का। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही अच्छा स्मूथ एक्शन कहा जा सकता है। और ये छठे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं प्रेकोटे का पहला टीम की तरफ से छठे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं बलराम पांडे जो प्रयागराज से चलकर आए हैं। नए बल्लेबाज काका बलिया की तरफ से जा रहे हैं रंजीत। हालांकि इसमें आउट फॉर्म में चल रहे हैं ये जो दोनों बल्लेबाज दिखाई दे रहे हैं। अगर अच्छी तरह से बल्ले पर आने लगे गेंद तो गेंद को कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन कमाल की गेंदबाजी हो रही है। गिरने के बाद का विकेट कीपर के दास्तानों में चली जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है। छह ओवर की समाप्ति के बाद तीन विकेट और मेगन ओवर करके जा रहे हैं अब तक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी। जितनी भी तारीफ करें इस गेंदबाज की कम होगी। शांत और सौम्य व्यवहार का ये खिलाड़ी आज रंजीत इसमें गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके सामने है श्याम और खेलना चाहते थे लेकिन अच्छी तरह से बल्ले पर नहीं आई, फिर भी एक रन चुराना चाहते हैं और ले भी लिए। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट इस समय रंजीत और श्याम के बीच में। तो बढ़ता हुआ स्कोर इस समय काका बलिया का नंदी एंड कंपनी। हालांकि अच्छी एक संतुलित टीम उतारी थी लेकिन ये मैच अभी बेबी का लोटा। और समय रंजीत गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्ले का मोटा एज लेकर शायद चली गई, लेकिन अंपायर का इशारा, थोड़ी सी अपील जरूर हुई है लेकिन अंपायर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सातों ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं रंजीत। रंजीत हालांकि बढ़िया बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, टैलेंटेड इस समय गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया लेंथ कर रहे हैं। इंडियन ड्यूर फैशन गारमेंट नदवा सराय की तरफ से प्रदीप यादव की टीम अगर जीतती है तो उनके तरफ से 100 रुपया हमारे पास आ चुका है। इस बार गेंद को सुबह का भूला अगर शाम तक वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब यहाँ से भी अगर खींच करके रन ले जाए तो अब तो बहुत पीछे नजर आ रही है टीम काका बलिया, लेकिन ये है रंजीत। लेकिन कमाल की गेंदबाजी, गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी ज्यादा बाहर और उनका भरपूर स्वागत कर रहे हैं विकेट के पीछे रिंकू यादव जी।
जो अच्छी मेहनत करते हैं विकेट के पीछे, इस समय अच्छी फील्डिंग हो रही है, सारे समय बल्ले गेंदबाजी कर रहे हैं और पैरों पर इस बार गेंद थी, हालांकि बल्ले पर नहीं आई, एक रन चुराया। श्याम यादव को चाहिए कि आप जितनी भी गेंद है उसको हवाई यात्रे पर भेजें, क्योंकि यहां पर फेंक दीजिए सर जी। कल्पनाथ साहनी की तरफ से हर छक्के पे 100 रुपया दिया जा रहा है। तो एकलव्य सेवा मंडल सूरत गुजरात हिंदो मुस्लिम सद्भावना कप का ये जो मिसाल है आपके समक्ष देखा जा रहा है, जितने भी दर्शक है इस मैच के एक साक्ष माने जाएंगे। इसी बीच फिर से आए हम बलराम पांडन के सामने है, रंजीत और गेंद को लाभ दिया है विकेट एरिया में, गेंद को भेजा है हवाई यात्री पर, तो एक और छक्का तो बैठा हुआ स्कोर इस समय 73 रन, जहां पर 168 के जवाब में 73 रन अभी तक बना पाई है। और फिर से रंजीत ने ताबड़तोड़ बैक टू बैक छक्का लगाया है। अब रंजीत ये मन में ठान लिए हैं कि अब टीम तो हार रही है, जो हाथ हारा है वही ले लिया जाए। टारगेट ऊपर ही मैसेज में भी टॉपिक है, डिस्प्ले पे भी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, 166 रन टारगेट है 10 ओवर में। इसके बाद फाइनल मैच खेला जाएगा जिसका इंतजार बहुत देर से सभी दर्शकों को था, और इस समय बलराम पांडे गेंदबाजी कर रहे हैं और लगातार 3 छक्के। तो ये 500 का जो कीर्तिमान है निश्चित तौर पे आज हासिल कर लिया। तो ये बलिया का होनहार बल्लेबाज अपने नाम में एक और कीर्तिमान प्रतिस्थापित कर लिया है रंजीत, और इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं बलराम पांडे। काफी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन इस ओवर में थोड़ी देर से उनका स्वागत किया है रंजीत ने, तो 500 के हकदार बन चुके हैं और 300 रुपया अर्जित कर चुके हैं। जाते जाते कम से कम जो आपका फीस है वो आपके हाथ लग जाए। और यहाँ पे श्याम यादव का बल्ला खामोश नजर आ रहा है, लेकिन उतना ही अच्छी कसी हुई गेंदबाजी हो रही है। इसमें प्रयागराज का ये गेंदबाज बलराम पांडे काफी कसी हुई गेंदबाजी कर रहा है, और होना हो क्यों, आर्यस स्पोर्ट की तरफ से जो गेंदबाजी कर रहे हैं इतनी दूर से आए उनका नाम तो होना चाहिए। और ये देखिए जिस शॉट के लिए जाने जाते हैं श्याम यादव, श्रोता बम बड़ा धमाका बड़ी बड़ी छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो चीज अभी तक नजर नहीं आई है क्योंकि पेस बहुत ज्यादा है। श्याम को पेस पसंद है लेकिन अब यहाँ अच्छी तरह से बल्ले पर नहीं आ रही है। और 8 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 86 रन। तो 2 ओवर में 40 रन की औसत से रन बनाने होंगे। इस समय रंजीत आए अपने कोटे का दूसरा, और इस समय रंजीत तो कौन से रंजीत भारी भरेंगे, ये भी है बलिया के, ये भी है बलिया के। खेल में कोई समझौता नहीं होता है, लेकिन अब रंजीत चाहेंगे कम से कम दोनों हाथों से कुछ कबूल कर लिया जाए, लेकिन इस बार घुमाया उसके नीचे खिलाड़ी है, जब तक गेंद को पकड़ते एक रन चुराने का मौका मिला। बढ़ता हुआ स्कोर इस समय ताका बलिया का, जीत इस समय आर एस स्पोर्ट की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने श्याम यादव और ये लाभ किया है। मैं बता रहा था इस खिलाड़ी का कि छोटा बम बड़ा धमाका, अगर इस खिलाड़ी का बल्ला बोला तो हल्ला होगा। तो इस समय कल्पना साहनी अपनी पोर्ट भी खोले हुए हैं, और जो भी खिलाड़ी छक्का लगाएगा वो हर एक छक्के पे 100 रुपए का इनाम अर्जित करेगा। तो कल्पनाथ भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आ जाए, उनका इंतजार हो रहा है। इस समय रंजीत गेंदबाजी कर रहे हैं और श्याम बल्लेबाजी, और ये देखिए ऊंचा लंबा उठाया गेंद को भेजा हवाई यात्रे पर। हमारे बीच में
हमारे अतिथि विशेष माननीय श्री उदयराज निषाद जी, जो उत्तर प्रदेश के ईसाई भी हैं, हमारे बीच में आ रहे हैं। लगातार दो छक्के अर्जित कर चुके हैं श्याम यादव। हालांकि उनकी टीम हार रही है, लेकिन अब जो भी है वो तो करेंगे ही। और ये तीसरा ओवर करना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी गेंद को खींचा था, बड़ी ही जीत हमसे दूर जाते हुए। उनके सामने है श्याम यादव, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय रंजीत। एक रन में चुराने का मौका मिला, बढ़ता हुआ स्कोर में ताका बढ़िया था। तो निश्चित तौर पर जितनी भी सराहना की जाए संजीव सिंह की और मोनू खान, जो इस चिलचिलाती हुई धूप में आपने अथक परिश्रम किया है और विजय सहनी के टूर्नामेंट को आज सफल बनाया है, आप लोगों का अतुलनीय योगदान है, जितना भी कहे कम होगा। क्योंकि जो क्रिकेट का भगवान माना जाता है, वो सेकेंड भगवान माना जाता है निर्णायक। इस समय नवीन कश्यप गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया एक्शन और बिल्कुल जड़ में डाला है। तो उनके सामने थोड़ी सी अपील जरूर हुई है, लेकिन अपील में उत्साह जाता है, विश्वास कम नजर आ रहा है। श्याम यादव एक बेहतरीन बल्लेबाज और उनके सामने एक बेहतरीन गेंदबाज, अब है सामना और देखते हैं श्याम यादव क्या करते हैं। बाउंड्री छोटी है, अर्जित करना चाहेंगे का छक्का। और ये देखिए स्लोअर, बैक हैंड स्लोअर, कमाल का ये गेंदबाज है। इस गेंदबाज की अगर तारीफ करे तो कम होगी, क्योंकि जो मैच हुआ था नौमान भाई और सोनू कुमारी के बीच 50,000 रुपए का, उसमें कमाल की गेंदबाजी किए थे। और ये देखिए घूम कर खेलना चाहते थे, लेकिन अच्छी तरह से बल्ले पर नहीं आई, डायरेक्ट हिट अगर वहां पे लगता तो खतरे में पड़ सकते थे, लेकिन अच्छी रनिंग बिक्री का विकेट इस समय हो रही है। ताका बलिया थोड़ा सा पीछे नजर आ रही है। कल्पनाथ भाई मेरी आवाज अगर आपके कानों तक जा रही है तो आप आ जाओ कमेटी बॉक्स में। विजय भाई आपका इंतजार कर रहे हैं, नवीन कश्यप इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, आप स्टंप को बिल्कुल चुंबक की तरह पकड़ लिया है, बल्लेबाज को खोलकर प्रहार नहीं करने दे रहे हैं। और ये सेमीफाइनल की हार और पुलिस की मार जिंदगी भर याद रहती है। और ये सेमीफाइनल में जो भी खिलाड़ी जो भी टीम हारती है उसे सीधे और ये देखिए इस बार पॉइंट और कवर के बीच से खेला है बाबू, जब तक गेंद को गेंदर करते एक रन चुराया, रन आउट होने का चांस था वहां, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। तो प्रदीप यादव अगर इस मैच को जीतते हैं तो ताजपुर के तरफ से सोनू यादव जो है ग्राम सभा ताजपुर की निवासी है, उनके तरफ से 1500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इस बार देर ही सही, लेकिन भेजा इस बार हवाई यात्री तक। तो एक और छक्का, तो हम जो छक्के काउंटिंग कर रहे थे वो बताएं कि मिलते हैं फाइनल में।